हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, और प्लस टू वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई कोई भी रिएक्शन है उसमें हम किस प्रकार से रेट ला निकाल सकते हैं, या उसका क्या हाफ लाइफ टाइम पीरियड रहेगा, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल लेता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, दैट इज द 2NH3 कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन प्लस 3 ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है मेरे पास। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में ये हो रहा है कि अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है। अमोनिया किसमें हो रहा है, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन गैस में। यदि इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी की अगर मैं बात करूं, तो इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी कितनी है, दैट इज द 2 है। मोलिकुलरिटी कितनी है, दैट इज द 2 है। बट यदि इस रिएक्शन में हम ऑर्डर की बात करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, तो ऑर्डर कितना होगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। जीरो ऑर्डर का मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। किस पे इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की अमाउंट कम ले रहा हूं, ज्यादा ले रहा हूं, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट है रेट। रेट कभी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसी जितनी भी रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जो जितनी भी रिएक्शन है जिनमें थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, या ऐसी कोई रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, वो सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं वो किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। वहां पे क्या होता है, वो एग्जांपल होती हैं। तो ऐसे रिएक्शन में हम रेट ला एक्सप्रेशन को किस प्रकार से कैलकुलेट करें, या फिर हमें ऐसी रिएक्शंस में भाई हाफ लाइफ टाइम पीरियड किस प्रकार से कैलकुलेट करें, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशन, रेट ला के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट ला एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। कांसेप्ट का नाम है रेट ला एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन मेरे पास इस मान लो ये है रिएक्शन है ए टू पी, कोई रिएक्शन है ए टू पी। मान लेता हूं मैं यहां पे कि टी अपने पास जीरो था, तो इस ए की कंसंट्रेशन मेरे पास ए अमाउंट थी। फिलहाल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जब टी टाइम पे था, यानी कि ये तो थी इनिशियल स्टेट, ये क्या थी, इसकी इनिशियल स्टेट थी। और फाइनल स्टेज पे हम पहुंचने के बाद, क्या हो गया, ये ए माइनस एक्स बच गया और ये एक्स अमाउंट फॉर्म्ड हो गया। जितना ए डिसोसिएट होगा उतना ही प्रोडक्ट का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इस बात को माइंड में रखना हमेशा। तो अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रेशन, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी कि रेट जो है इन दिस केस को किसके बराबर रहेगा, रेट कांस्टेंट को हमने क्या किया है, इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह लगाया, इसका नाम क्या हुआ, रेट कांस्टेंट। इसका क्या नाम होगा, रेट कांस्टेंट। ठीक है, अगर यानी कि हम अगर जनरली लिखें तो रेट किसके बराबर होते, जनरली के इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यदि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो आप 1 यूनिट ले लो, 1 मोल पर लीटर यदि ले लो, तो जो रेट आएगा वही क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा। यानी कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है रेट कांस्टेंट की। बट हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट निकालना है कि भाई कितना निकलेगा, तो यहां से रेट कितना निकलेगा, दैट इज द दिस ए, ए की कंसंट्रेशन की पावर क्या है, जीरो। यानी कि ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए माइनस एक्स। इसको ये लिख सकते हो के इनटू ए माइनस एक्स की पावर कितनी है, जीरो। और किसी की पावर जीरो बराबर किसके रहेगा, के रहेगा। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो इस कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई रेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो बाय द डेफिनेशन देखना,
बाय द डेफिनेशन ऑफ रेट, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेट, रेट क्या होता है, रेट होता है माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन है, पी, तो यहाँ रेट के मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज द डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। ये रेट एक तो ये हो गया, एक रेट ये हो गया, दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं, तो यहां पे ये वन है ये टू है, कंबाइन कर दो, कंबाइन करोगे, कंबाइन वन एंड टू, वी गेट, हमें मिलेगा क्या, हमें ये मिलेगा कि जो डी एक्स अपॉन डी टी है वो किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करता हूं। ठीक है, नोट्स यदि बनाने हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग बना लेना या वीडियो को बैक कर लेना, आपको ये दिख जाएंगे। वैल्यू क्या आई है, dx by dt is equal to k, यहां से वैल्यू क्या आई है, dx upon dt is equal to k, इसको मैं लिख सकता हूं dx is equal to k into में dt, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dx is equal to इंटीग्रेशन k into dt, k यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x is equal to k, तो कांस्टेंट, dt का क्या आएगा, t प्लस में c, c क्या है, c यहाँ पे है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c यहाँ पे क्या है, c यहाँ है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट इंटीगल है, डेफिनेट होता तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाते, इनडेफिनेट इंटीगल, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया हमने, कांस्टेंट लगाया। इस इक्वेशन को नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। अब कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन, क्योंकि हमें सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट। तो कंडीशन देखो, जब टी जीरो था तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे जीरो, यानी कि इफ, यदि टी जीरो है तो एक्स की वैल्यू वहां पे क्या रहेगी, जीरो, यहां पुट कर दो वैल्यू क्या बनेगी, सो इक्वेशन थर्ड जो है वो क्या बचेगी, दैट इज जीरो बराबर के इनटू में जीरो प्लस में सी, तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो आई है, सी की वैल्यू उठाओ इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो सी की वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस में जीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल टू के टी आंसर आया है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, के टी, और यही क्या है, रेट ला एक्सप्रेशन है, दिस इज नोन एज द रेट ला एक्सप्रेशन, दिस इज नोन एज द रेट ला एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप दूसरे वे से ही लिख सकते हो, a माइनस एक्स की टर्म में, वो क्या कि a में से आप a माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो b क्या बचेगा, x ही बचेगा, तो भी क्या बचेगा, x, कैसे, a में से a माइनस एक्स को घटाया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a में से a प्लस एक्स, ये से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा, एक्स, यानी कि वैल्यू फिर भी यही बचेगी। ये a क्या थी, इसको मैं लिख देता हूँ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ a, और a माइनस एक्स क्या है, दैट इज द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ a, बराबर किसके रहेगा, के टी का। तो ये एक अनोतर रेट ला एक्सप्रेशन का मतलब है, एक प्रकार से मॉडिफिकेशन मैंने कर दिया, ठीक है, इन टर्म ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन और फाइनल कंसेंट्रेशन। जब आप एक वैल्यू निकालोगे, किसकी वैल्यू, एक ग्राफ निकालोगे, ए का ग्राफ निकालो, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी, दैट इज द ई नो ए नोट यू साइड माइनस ऑफ के ऑफ टी, ठीक है, ये वैल्यू है। तो यहां से जो ग्राफ आएगा, दैट इज द ए वर्सेस टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा, वो ग्राफ कैसा आएगा, यहां से देख लो, यदि टाइम को यदि बढ़ाऊं तो इस ए की वैल्यू क्या होती जा रही है, लगातार कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस ग्राफ में जो इंटरसेप्ट आएगा, इंटरसेप्ट आएगा, वो इंटरसेप्ट कितना होगा, दैट इज द ए नोट, यानी कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में हम ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की, वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ जो स्लोप रहेगा, स्लोप कितना रहेगा, दैट इज द माइनस ऑफ के रहेगा, ठीक है, माइनस को मत भूलना क्योंकि मैंने डिक्रीजिंग में लिखा है स्लोप, ठीक है। तो ये है रेट ला एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए, कि भाई हम जीरो ऑर्डर के केस में रेट ला एक्सप्रेशन को किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करें। नेक्स्ट जो चीज आएगी इन दिस केस, वो आएगा हाफ लाइफ टाइम पीरियड।
ठीक है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड और यूनिट आएगी रेट कांस्टेंट की। तो पहले सबसे पहले यूनिट देखेंगे रेट कांस्टेंट। यहां से देखो एक्स किसके बराबर है, मिटा देता हूं एक बार, कोई बात नहीं है, ठीक है मिटा देता हूं, कोई बात नहीं है। ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी एक्स इज इक्वल टू के टी, एक्स इज इक्वल टू के टी, दिस इज नोन एज द कंसेंट्रेशन टर्म। यह क्या है, कंसेंट्रेशन है, ठीक है कंसेंट्रेशन, और कंसेंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। के यहाँ रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट यूनिट मेरे को फाइंड आउट करनी है। ये है यहाँ पे टाइम, और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। तो यहाँ पे जो यूनिट आएगी रेट कांस्टेंट की वो क्या आएगी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। वो कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ से निकाल सकते हो, या कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू में सेकंड, यानी कि के की जो यूनिट आई है वो कितनी आई है, मोल पर लीटर अपॉन में सेकंड, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड। ये क्या है, यूनिट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट है फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें कंसेप्ट आता है, उसके बाद कंसेप्ट आता है वो क्या, वो ये कि भाई हाफ लाइफ टाइम पीरियड को निकालो। अब की बार अपने को क्या निकालना है, हाफ लाइफ। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले, दो फॉर्मूले, एक तो ये निकाला है x इज इक्वल टू के टी, और एक ये निकाला था हमने a नॉट माइनस a इज इक्वल टू के टी, और एक निकाला था यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, वो यूनिट कितनी आई थी, दैट इज द मोल पर लीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट काम किया था हमने, ग्राफ प्लॉट किया था, कंसंट्रेशन था यहाँ पे ए की वैल्यू थी, और यहाँ क्या था टाइम। तो इस प्रकार का ग्राफ आया था, जिस ग्राफ में स्लोप की जो वैल्यू थी वो माइनस ऑफ के थी, एंड इंटरसेप्ट जो था यहाँ पे इंटरसेप्ट, वो इंटरसेप्ट कितना था, इंटरसेप्ट की वैल्यू थी ए ऑफ नोट। अब की बार हमें क्या निकालना है, हाफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ निकालना है। अब सबसे पहले हाफ लाइफ की डेफिनेशन पता होना चाहिए अपने को, क्या होती है हाफ लाइफ। ये कहता है यदि टी को टी हाफ के बराबर पुट कर दूं, तो जो कंसंट्रेशन रहेगी, जो कंसंट्रेशन रहेगी ए की, वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाएगी। ठीक है, और यही होता है जब भी रिएक्शन हाफ है कंप्लीट हो जाती है, तो कितने टाइम में हाफ रिएक्शन कंप्लीट हुई है वही टाइम क्या कहलाता है, हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड टेकन बाय द रिएक्शन टू कंप्लीट द हाफ ऑफ द रिएक्शन नोन एज द हाफ लाइफ टाइम, या हाफ टाइम पीरियड। तो ये यही लिखा है मैंने कि एक्स जब टी हाफ के बराबर था, तो ए की जो कंसेंट्रेशन बची वो कितनी होगी, इनिशियल कंसेंट्रेशन की हाफ, या ये कह दो कि जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, इनिशियल जो कंसेंट्रेशन है ए की उसकी हाफ, या इसको ये लिख सकते हो प्रोडक्ट की एक्स थी, इनिशियल ए बाई टू है, यानी कि एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए बाई टू के बराबर आएगी। तो अब यहां मैं इसको पुट कर देता हूं, मेरे को पता क्या है, वी नो मेरे को पता ये है कि x किसके बराबर है, kt के बराबर है। कंडीशन लगाओ यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम पीरियड की, तो वैल्यू क्या आएगी, x x की जगह क्या पुट कर दूंगा, दैट इज द a बाय 2 इज इक्वल टू k into t की जगह क्या पुट कर दूंगा, t हाफ। तो यहाँ से जो t हाफ की वैल्यू आई है, वो t हाफ की वैल्यू क्या आई है, a अपॉन 2k। a अपॉन 2k का मतलब क्या है, यहाँ इसका क्या मतलब है कि t हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। ठीक है, तो यही ये दो पांचों मैंने बातें लिखी हैं जीरो ऑर्डर के केस में कि x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू kt, दिस इज नोन एज द रेट ला एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, रेट ला एक्सप्रेशन है जीरो ऑर्डर के केस में। ठीक है, और यूनिट इसकी ये हो गई रेट कॉन्स्टेंट के की, जो यूनिट है रेट कॉन्स्टेंट के, रेट कॉन्स्टेंट के की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के, रेट कॉन्स्टेंट टी ए कॉन्स्टेंट सी ओ एन एस टेन टी एन टी, रेट कॉन्स्टेंट की एक यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद आप लोगों को ये क्या निकाला मैंने, हाफ टाइम पीरियड मैंने निकाला। तो यहां से देख सकते हो कि जो इनिशियल जो हाफ लाइफ है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन की, कि जितना इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा। तो ये एक फुल्ली डिटेल है किसकी, जीरो ऑर्डर की। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन सभी रिएक्शंस, इन सभी ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, या ऐसे कौन कौन से न्यूमेरिकल बनेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा ताकि जो न्यू अपडेट है वो आप लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।